माला 11 सवाल नंबर 12 देखिए, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, पहले बनाना है त्रिभुज एबीसी। ये आपके त्रिभुज ए बी और सी, ए बी और ये हो गया सी। एबीसी में डी समांतर बीसी है, ये बीसी इसके समांतर यहाँ पर कोई रेखा है जिसका नाम डी है, डी समांतर बीसी, ये और ये क्या है आपके समांतर। एवं एडी, ये एडी का मान कितना है 6 सेमी, और यहाँ है आपके बीडी, बीडी का मान है आपके 9 सेमी, फिर आपके एई, एई का मान है 8 सेमी। हमें याद करना है एसी, एसी है पूरी यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये याद करना है। अब देखो नियम है त्रिभुज ए बी सी से, क्या हो किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर त्रिभुज कैसी होती है, अनुपातिक। क्या है इसमें बीसी समांतर है डी, बीसी समांतर डी, अगर रेखाएं समांतर है तो भुजाएं कैसी होगी, ये सवाल में दिया हुआ। भुजा जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में होगा, जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा, क्या होगा AD बटा BD बराबर AE बटा AC। अब AD का मान कितना, अब ये क्यों होगा बाय CP ST, AD का मान कितना 6, BD का मान कितना 9, AE का मान कितना 8, और इसी का मान इसी करनी है क्या, इसको इससे और इसको इससे हो जाएगा 6 EC और 8 नाम का बहत्तर गुणा है तो EC आ जाएगी आपके 72 बटा 6 × 6 = 12, इसी कितने आ गए 12। लेकिन हमें पूरी चाहिए, ए में क्या जोड़ देंगे इसी जोड़ देंगे, पूरी क्या चाहिए हमें ए ऐसी चाहिए, ऐसी पूरी ऐसी कैसे बनती है, ऐसी बनती है ए प्लस ईसी, ए तो दे रखी है कितनी 8 + 12 कितनी हो जाएगी 20, आगे सुन रहे रेखा है समांतर तो भुजाएं कैसे होनी चाहिए अनुपातिक, सिंपल था। अब वो त्रिभुज एबीसी में, पहले त्रिभुज एबीसी बनाओ, ये आपके त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजन एडी रेखा कर दी, ए बी सी, इसमें कोण ए का हो रहा है समद्विभाजन, और कौन सी रेखा कर रही है एडी रेखा, मतलब इस कोण का समद्विभाजन हो रहा है। एवं एबी, एबी है, एबी का मान 8, बीडी का मान 5, बीडी का है आपके ये रेखा है, बीडी का मान 5 और डीसी का मान 4, एसी करनी है हमें 11, परमे नंबर 11.3। अगर किसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजन हो रहा है तो जो अनुपात सामने वाली भुज में है वही अनुपात इन दोनों में होगा, परमे नंबर 11.3। क्यों होता है, यहाँ कोण ए का क्या हो रहा है समद्विभाजन, कोण ए का समद्विभाजन हो रहा है, इसलिए जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा, मतलब बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी, ऐसा क्यों होगा, परमे नंबर 11.3। अब बीडी का मान 5, डीसी का मान 4, एबी का मान 8, ऐसी करनी है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको 5 ऐसी 8 को जो 8 जो 32, तो मान किसे ज्ञात करना है ऐसी का, तो गुणा में तो ऐसी बराबर आ जाएगा 52 32 बटा 5 बार दो 6 × 30 तो बच गए 0.4 × 30 तो आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 14, यदि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। पहले तो बनाने दो त्रिभुज, दोनों कैसे हैं समरूप, एक तो ये वाला त्रिभुज नाम है ए बी सी, एक और एक ये वाला त्रिभुज नाम है पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ऊंचाई का अनुपात 4:9 है, इस त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई में से कितने डिग्री कोण पर रहती है, ये ऊंचाई होगी नाम दे दो एम दे दो,
और ये ऊंचाई, इसकी ये हो जाएगी क्या नाम दे दो, एन दे दो, ऊंचाई वन पाथ, इसकी तो चार है और इसकी क्या है नौ है, तो हमें याद करना है क्षेत्रफलों का अनुपात। दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप और क्षेत्रफल दे रखा है तो फिर में लगेगी कौन सी 11.13, क्षेत्रफल के अनुपात में 11.13 लगती है हमेशा। क्या होता है त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज बी क्यू आर क्यों समरूप है सवाल में दिया हुआ है, अगर समरूप है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर भुजाएं नहीं दे रखी, यहाँ पर क्या दे रखी है ऊंचाई दे रखी है, मतलब ये क्या है लंब है, या तो लंब बोलो या मध्यिका बोलो, तो आपके 11.13 के नीचे ऊपर में लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है और मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है, या शीर्ष लंबों शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। ऊपर में क्या है एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर हो जाएगा, अब भुजाओं का वर्ग का हो चाहे मध्यिकाओं का कहो एक ही बात है, तो क्या जाएगा ए एम बटा पी एम, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये क्यों होगा फर्मी नंबर 11.13। अब ये तो ज्ञात करना है क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, ए एम कितना दे रखा है 4, ए एम कितना दे रखा है 9 पी एम, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, अनुपात क्या गया 16:81।